नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि कैसे, आज आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपको लाइव, बिल्कुल लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल एक छोटा सा फंड अपना, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट लगाकर, 35,000 रुपए लगाकर, कैसे आप उसको 9 करोड़ तक का आप अपना फंड बना सकते हैं। आज मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आज अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं आपको जैसे बिल्कुल लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आज अपने फंड की डिटेल चेक कर लेते हैं। जिस फंड के मैं आज दिखाऊंगा आपको, तो SBI मैक्सिमम मिड कैप डायरेक्ट प्लान फंड है। इसमें हम अपनी बेसिक डिटेल्स चेक कर लेते हैं फंड की, जो कि हमारी फंड की डिटेल्स है। रेटिंग 5 स्टार है। मिनिमम SIP अगर देखेंगे तो मिनिमम SIP भी 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 500 से लेकर आप 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, 4,000 हो गया, अपने बजट के अकॉर्डिंग SIP भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज भी 14,454 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो भी 0.84% है। और टैक्स की भी अगर बात करें तो अगर 1 साल से पहले पहले अपना पैसा निकलवाते हैं आप, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद निकलवाते हैं, जैसे 10 साल हो गए आपके पैसे को, तो उसके बाद तो आपको 10% ही देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर पैसा निकलवाएंगे, रिडीम कराएंगे, तो आपको 10% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज तो आपको क्लियर है बिल्कुल कि हम अगर अपना प्लान बनाए तो इस तरीके से प्लान बनाए। आज मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूं जिसमें हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे और पैसा भी कैसे बन रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, वो भी मैं चीज आपको बताऊंगा। करेंगे नया टैब ओपन करने के बाद हम अपना SIP कैलकुलेटर अपना टाइप करेंगे और SIP कैलकुलेटर टाइप कर हम अपना ये देखेंगे कि हम अपना अगर लमसम प्लान, हम अगर 35,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो SIP कैलकुलेटर ओपन होने के बाद हम लमसम प्लान में जाएंगे और लमसम प्लान में जाने के बाद हम अपने प्लान को 35,000 का अपना सेलेक्ट करेंगे। 35,000, जी हाँ, आपको स्टार्टिंग फर्स्ट टोटल इन्वेस्टमेंट में आपको 35 आपको सेलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड आपको जो रिटर्न रेशियो है आपको वो मेंशन करनी है। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग में वीडियो में 22 की आपको रिटर्न रेशियो आपको सजेस्ट किया था, तो आप 22 की यहाँ मेंशन करेंगे सेकंड वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न पर NM में। और पर NM मीन्स दोस्तों पर ईयर का ही है ये। और टाइम पीरियड का जो हमने देखा था अपनी वीडियो में, तो टाइम पीरियड का भी हम अपना 40 इयर्स का मेंशन करते हैं कि हम 40 इयर्स का अपना ड्यूरेशन करते हैं। तो 40 इयर्स में आप अगर ये देखेंगे तो ये हमारा अपना जो SIP कैलकुलेटर ने हमारा कैलकुलेट कर दिखाया है, इसमें ये देखेंगे कि हम 35,000 तो हमने इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया और एस्टिमेटेड जो रिटर्न्स हमारी आई वो 9,96,11,322 आई। और टोटल वैल्यू जो इन्वेस्टेड अमाउंट और एस्टिमेटेड रिटर्न को मर्ज करके प्लस करके जो हमारी टोटल फाइनल वैल्यू आई है वो 9,96,46,322 आई है। तो ये एक्चुअल में आप ये देखें कि ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ है। अगर हम इसी तरीके से अगर अपना पोर्टफोलियो रेडी कर चलते हैं तो हम 22 की रिटर्न के अकॉर्डिंग हम एक अच्छा लमसम अपना प्लान बनाए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।